अरे भाई सेमीफाइनल में इंडिया कब किससे और कहां पर भिड़ेगी, और इंडिया छोड़िए पाकिस्तान का क्या हाल है इंटर 19 वर्ल्ड कप के अंदर, नहीं पता क्या? चलिए मैं बता देता हूं। टीम इंडिया नेपाल के खिलाफ 132 रन से पांचवी जीत लगातार दर्ज करते हुए सेमीफाइनल का टिकट फाइनल करवा चुकी है। वहीं ग्रुप टी में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं कहीं ना कहीं अब ये भी तय है कि टीम इंडिया का सुपर सिक्स के ग्रुप वन के टॉप पर रहना है, यानी कि उसका मुकाबला सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के साथ होना तय है। यानी कि आप जब शनिवार को आएंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर फाइनल होगा कि क्या इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ही फाइनल है। वैसे ये 99% तो कंफर्म है, पर अभी एक फॉर्मेलिटी होती है, जो एक औपचारिकता होती है वो अभी बाकी है, क्योंकि एक मुकाबला होना बाकी है जो कि शनिवार को खेला जाएगा, और जैसे ही वो मुकाबला होगा तो फिर ये फाइनल हो जाएगा कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला सेमीफाइनल आप देखने वाले हैं। बात करते हैं दूसरी वाली पार्टी की, यानी कि अपने पड़ोसियों की, यानी कि पाकिस्तान की। अगर उनकी बात करें तो उनको अपना सुपर सिक्स का दूसरा मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है, और अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया तो मामला फंस जाएगा दोस्त पाकिस्तान का। ऐसा क्यों, चलिए बताता हूं। पाकिस्तान ने अगर सुपर लीग ये सुपर सिक्स के अपने मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज की तो उसका सेमीफाइनल का टिकट पक्का हो जाएगा, लेकिन मामला कहां फंसेगा, मामला वहां फंसेगा अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया, यानी कि दोनों के जो अभी पॉइंट्स हैं वो बराबर हो जाएंगे। ऐसे में मामला जाएगा नेट रन रेट पे। मौजूदा वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान का नेट रन रेट 1.0 का है, वहीं बांग्लादेश का नेट रन रेट 0.3 का है, यानी कि पाकिस्तान आगे है नेट रन रेट से। पर अगर बांग्लादेश एक अच्छे मार्जिन से पाकिस्तान को हराती, क्योंकि हमने ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को बांग्लादेश ने हराया नहीं है, आप एशियन गेम्स देखिए बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया था, अगर वही कारनामा बांग्लादेश अंडर 19 वर्ल्ड कप में कर पाती है और एक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज होती है, अगर बड़े मार्जिन से जीत दर्ज होती है तो मामला फंस जाएगा पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान जीता तो भैया उसका सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से खेला जाएगा, यानी कि जो सेमीफाइनल होगा वो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा। ये अभी दो सेमीफाइनल के मायने माने जा रहे हैं। लेकिन ग्रुप ए की अगर बात करूं, यानी ग्रुप वन की, तो इंडिया टॉप पर है और वो टॉप पर रहने वाला है, क्योंकि हमारा नेट रन रेट 3.4 का है। एक तो नेट रन रेट, दूसरी चीज क्या, हम अभी तक अनबीटेबल है। अनबीटेबल का मतलब हम टॉप पर तय है। उधर साउथ अफ्रीका है तो वो और ऑस्ट्रेलिया ये दो, इधर इंडिया और पाकिस्तान, तो ऐसे में इनका मुकाबला इधर, इनका मुकाबला इधर। अब अगर सब कुछ सही रहा, दुरुस्त रहा, और इधर से इंडिया जीती है, उधर से पाकिस्तान जीती है, तो अंडर 19 वर्ल्ड कप में फाइनल का मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देख सकते हैं। बात करता हूं कि कब कहां किसका मैच होगा। आपको बता दें कि टूर्नामेंट के दो सेमीफाइनल 6 और 8 फरवरी को खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल होगा ग्रुप वन की टॉप टीम और ग्रुप टू की नंबर दो की टीम, यानी कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये लगभग लगभग तय माना जा रहा है। और पहला सेमीफाइनल 6 फरवरी को होगा, यानी कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच 6 फरवरी को होने वाला है। ये मुकाबला साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल इसी मैदान पर खेला जाएगा, कब, 8 फरवरी को। अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुकाबला जब हो जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया किससे भिड़ेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो दूसरे सेमीफाइनल में पक्की है भैया। आप इधर देखिए पाकिस्तान के हाल करने वाली है। अगर बांग्लादेश को वो लगभग लगभग माना जा रहा है कि तय है हरा देगी, ऐसा इसलिए क्योंकि विकेट और जब आप रन्स का कॉलम देखेंगे तो पाकिस्तान नंबर दो पर दोनों में बरकरार है। तो ऐसे में एक बड़ा मुकाबला पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया से अगर भिड़ेंगे तब होगा। दूसरी बात करता हूं टीम इंडिया की। उदय सहारन की टीम में ये टीम इंडिया अलग जलवे बिखेर रही है। इसमें मुशीर खान है जो कि ताबड़तोड़ रन बरसा रहे हैं, 2 शतक लगा चुके हैं, 2 अर्धशतक लगा चुके हैं। अभी नेपाल के अगेंस्ट कप्तान साहब यानी कि उदय सहारन का भी शतक आया। सौम्य पांडे लगातार विकेट चटका रहे, सबसे ज्यादा विकेट उनके पास है। तो टीम इंडिया हर तरफ से नंबर वन चल रही है। आप ग्रुप में देखिए, आप बल्लेबाजी में देखिए, आप देखिए गेंदबाजी में। इसका मतलब ये कि एक बार फिर से विराट कोहली, मोहम्मद कैफ, पृथ्वी शॉ, उदय सहारन, अब इनकी अगुवाई में एक और वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया अपनी दावेदारी पेश कर रही है। इंडिया ने इससे पहले 5-5 अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते हैं। अब देखना है कि छठा टाइटल हमारे नाम हो पाएगा या नहीं। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाएं।